हाल ही में धर्मांतरण और आतंकवाद जैसे विषय पर बनी फिल्म केरल स्टोरी रिलीज हुई है। देश भर के सिनेमा घरों में केरल स्टोरी को देखने के लिए दर्शकों का जमावड़ा लगा है। दरअसल इस फिल्म की इतनी चर्चा हो चुकी है कि इसके कारण अब इस फिल्म को जमकर दर्शक मिल रहे हैं। हालांकि फिल्म को लेकर समाज की राय बटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी और दक्षिणपंथी संगठन इस फिल्म को सच्ची कहानियों पर प्रेरित बता रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम समाज के लोग इस फिल्म को इस्लामिक फोबिक और राजनीतिक प्रोपेगेंडा करार दे रहे हैं। इस फिल्म को लेकर हमने छतरपुर जिले के ऐसे ही दो समाजों से बात की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम कर चुकी अंकिता विश्वकर्मा ने इस फिल्म को लेकर जो कहा वो सुनिए। द केरला मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित ऐसी पिक्चर है जो साउथ में हो रहे बरसों से एक योजनाबद्ध तरीके से कैसे महिलाओं को, लड़कियों को, उनको बहलाकर फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है और धर्मांतरण के नाम पे उनसे शादी करके, और कई लड़कियों के साथ तो ऐसा कि शादी करी है और शादी करने के बाद आतंकी हमलों में उनको उपयोग किया गया है। तो इस स्थिति को, कितनी बुरी स्थिति है कि आज भी साउथ की जो गवर्नमेंट है, चाहे पुलिस प्रशासन कह लीजिए, ऐसे मुद्दों को दबाती है, महिलाओं की आवाज़ को दबाती है, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे वहाँ हो रहे हैं और ये एक जागने का वक्त है। मुझे तो ये कहना है कि सभी लड़कियों को ये फिल्म जा कर के देखनी चाहिए और ये एक अलार्म की तरह काम करेगी। आज लड़कियों को जाग जाना चाहिए कि हमारे ही बीच में कई ऐसे जिहादी लोग जो अपनी मानसिकता को लेकर, जैसे कहते हैं ना, स्लो पॉइजन, स्लो एंड स्वीट पॉइजन, उसको भर रहे हैं और हमारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उसका कारण ये भी है कि हमें अपने धर्म की अज्ञानता है, उसका ज्ञान हमें ठीक से है नहीं, तब वो अपने धर्म के बारे में बोलकर हमारे धर्म के बारे में कुछ भी बोलते हैं और हम उसको सुनते रहते हैं क्योंकि हमें अपनी जानकारी नहीं। तो सबसे पहले तो अपने धर्म का ज्ञान हमें होना चाहिए, धर्म का ज्ञान करें और कोई कुछ भी कहता है उसको सोच समझ के ही आप आगे कोई निर्णय लें, क्योंकि महिलाएँ आज आप देख रहे हैं कितनी बुरी बुरी घटनाएँ हमारे देश में हो रही हैं और महिलाएं देखें, उसके साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी देखना चाहिए, मेरा कहना ये है। लड़कियां देखें जाकर के, और पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि उनकी बच्चियां किन के साथ दोस्ती कर रही हैं, उनकी सहेलियां कौन हैं। कई लड़कियां ऐसी हैं कि उनको बहलाकर फुसलाकर अपने घर ले जाती हैं, मीठी मीठी बातें करती हैं, फिर उनका धर्म परिवर्तन कराती हैं, और यहाँ तक कि उनके समझाने के बाद, ब्रेन वॉश करने के बाद लड़कियों के माता पिता ही उनके दुश्मन हो जाते हैं और जो भी उनके विरोध में बात करता है वो उनके दुश्मन हो जाते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि फिल्म को जाकर के जरूर देखें और छतरपुर में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितने से अधिक लड़कियां हो सके उन्हें हम ये फिल्म देखने का दिखा सके हम उन्हें। इस फिल्म को लेकर एक मुस्लिम वकील नाजिम चौधरी का अपना तर्क है। उनका कहना है कि फिल्म शुद्ध रूप से प्रोपेगेंडा है। ये जो मूवी आ रही है ये एक्चुअल में मूवी नहीं है, ये एक सत्ताधारी पार्टी है जो भाजपा इस समय देश में राज कर रही है, ये उसके द्वारा प्रायोजित एक मूवी है। और इसमें चूंकि केरला में भारतीय जनता पार्टी घुस नहीं पा रही है, लोग वहाँ के पढ़े लिखे हैं, साक्षरता दर बहुत हाई है, तो वहाँ पे लोग ये जातिवाद का शिकार नहीं होते, इसलिए वहाँ का माहौल ख़राब करने के लिए, केरला को बदनाम करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये प्रायोजित की जा रही है एक मूवी। और मैं सोचता हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए, ये देश हित में नहीं है, क्योंकि ये सारे मैसेजेस दुनिया के दूसरे देशों में भी जाते हैं, वर्ल्ड वाइड जो समाज है वहाँ पे ऐसे में अपने देश की बदनामी होती है कि भारत में क्या मचा है, तो ये ठीक नहीं है। ये 2024 के चुनाव देखते हुए ये सब किया जा रहा है। कुल मिलाकर इस फिल्म को जो चर्चा मिल रही है उसके कारण सिनेमाघरों में दर्शकों की संख्या भी बढ़ रही है। फिल्म एक विचारधारा को समर्थन करती है तो वहीं दूसरी विचारधारा इसका विरोध कर रही है।